हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि गोरा होने की, पर किस तरीके से गोरा होना है उसकी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस रेमेडी को किस तरीके से यूज़ करना है, कब कब यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है, किस टाइम यूज़ करना है, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगी। तो प्लीज़ स्किप ना करें वीडियो को। आप रातों रात गोरे हो सकते हैं एंड आपके चेहरे पर जो भी एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम है वो भी सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं, यहाँ मैंने कटोरी ली है एंड देन इसके बाद में डालेंगे हम लोग हल्दी। हल्दी इस तरीके से मैंने देख सकते हैं एक चम्मच ले ली है। और ये जो हमारे चेहरे पे जो टैनिंग है उसको भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और हमारा चेहरा वो एकदम शाइनिंग खिला खिला चेहरा रहता है। और एक्स्ट्रा जो हम लोगों की हेयर है जो चेहरे पर वो भी रिमूव कर देती है ये। तो आप तो इसको ज़रूर ट्राई करें क्योंकि हर किसी की कुछ ना कुछ दिक्कत होती है चेहरे पर, तो सारी दिक्कतों की समस्याओं की जड़ यानी कि ख़त्म कर देगी रेमेडी। तो ये शैम्पू लिया है, शैम्पू गंदगी जमी रहती है उसको भी निकालने में साफ करता है शैम्पू, इसीलिए मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ मैंने शैम्पू लिए, शैम्पू भी हमारे चेहरे पे जो एक्स्ट्रा जो गंदगी है उसको साफ़ कर देगी। तो ये बालों के लिए, तो बालों को तो साफ़ करती है, हमारे जो चेहरे के ऊपर या हाथों के ऊपर या पैर के ऊपर आप लगाओगे तो उसमें भी स्किन को एकदम साफ़ कर देगी। अगर आप नहा रहे हो या हाथ पैर धो रहे हो उससे पहले इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दिखाई देगा। एंड ये देख सकते हैं हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र का भी काम करती है शैम्पू, इससे हमारी स्किन एकदम मॉइस्चराइज़र हो जाती है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है। कोई भी क्रीम या हम लोगों को सनस्क्रीन बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें, आपका सनटैन है वो भी एकदम सही रखेगा, यानी कि सनटैन नहीं होने देगा आपके चेहरे को। तो इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ मैंने दोनों चीज़ डाली हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है शैम्पू के अंदर। शैम्पू और इसका जो मिक्सअप होता है ना गाइज, आप इसको कभी ट्राई करोगे तो आप जब भी इसको ट्राई करोगे इसका रिज़ल्ट तब भी आपको मिलेगा। जो हमारे चेहरे पे इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं धूप के अंदर एंड हमारी स्किन होती है वो काली काली सी पड़ जाती है, हमारे चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, जो हमारे चेहरा है ना वो एज से पहले ही पड़ा दिखाई देने लग जाता है एंड जो हमारी स्किन है वो एकदम यानी शाइनिंग नहीं करती, ब्राइट नहीं रहती। तो अगर आप कोई फेस्टिवल पे जा रहे हो या आपके घर में कोई फंक्शन है एंड आप पार्लर नहीं जा रहे हो या फेशियल नहीं करा पा रहे हो तो इस रेमेडी को ट्राई करें, फेशियल से भी ज़्यादा लुक देगी आपके चेहरे को एंड जो आप जो देखोगे ना इसका रिज़ल्ट वो आपको ही दिखाई देगा। एंड आप फेशियल को छोड़ के, पार्लर को छोड़ के, महंगे महंगे प्रोडक्ट को छोड़ के आप खुद ही इस रेमेडी को ट्राई करोगे। अगर आपने इसको एक वीक में ट्राई कर लिया तो आप इसको हर दिन भी लगा सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है, एकदम नेचुरल है, एकदम यानी कि प्राकृतिक से बनी हुई है ये। तो आप इस तरीके से इसको अच्छे से बना के चेहरे पर लगाएंगे, हाथ पैर पर अप्लाई करेंगे, आपके चेहरा जो चमकने लग जाएगा। आप किसी भी फेस्टिवल पर जा रहे हो या किसी भी फंक्शन में जा रहे हो तो आपको लोग पूछेंगे कि आपने चेहरे पे लगाया क्या है, और आप बिना सस्ते में ही आप अपना चेहरा चमका सकते हैं और एकदम गोरा कर सकते हैं और आपका चेहरा वो शाइनिंग मारेगा। ये लिया मैंने कोलगेट, कोलगेट है वो हमारे चेहरे को ब्राइट करता है, ब्राइट मतलब हमारे चेहरे की फेयरनेस बढ़ाता है यानी कि हमारे चेहरे को गोरा करता है। गोरा करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। एंड जो हमारे चेहरे पर जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं या हमारे चेहरे पे एक्स्ट्रा गंदगी होती है उसको भी निकालने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, इससे हमारा चेहरा है वो एकदम ठंडा ठंडा रहता है और हमारे चेहरे पे जो एक्स्ट्रा पसीने आते हैं जो गर्मियों के टाइम बहुत ज़्यादा आते हैं वो भी आना एकदम बंद हो जाएंगे। अगर आपके भी ये दिक्कत है, चेहरे पर पसीने आते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप भी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। हर चीज़ के लिए रेमेडी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपके चेहरे पर जो भी दिक्कत है आप इस रेमेडी को लगा सकते हैं। इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन तीनों का जो पेस्ट बनता है ना वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से लगाना है, कैसे लगाना है। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो समझ भी नहीं आएगा कि इसको किस तरीके से अप्लाई करनी है, कब लगाना है और कितनी बार लगाना है और कैसे कैसे इसको लगाना है। तो मैं इसको पूरी आपको बताऊँगी, डिटेल दूँगी कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है चेहरे पर। इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से पेस्ट बन चुका है हमारा। एंड आप इसको ज़्यादा पतला करना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी कोलगेट और मिक्स कर दीजिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा चेहरा, जो मैंने यानी कि रेमेडी लगाई जिससे पहले का है बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी कि इतना चेहरा अच्छा नहीं है। तो अब हम लोग कुछ ट्राई करते हैं, तो मैंने जो रेमेडी बनाई थी वो ट्राई करते हैं, चेहरे के ऊपर लगाते हैं। इस तरीके से मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताऊंगी कि हमें चेहरा पहले धुल लेना है, यानी कि साफ़ पानी से अच्छे से धुल लेना है
एंड उसके बाद में हमें ये लगाना है जिससे हमारे जो गंदगी है चेहरे की पहले वो निकल जाए। एंड साबुन से बिल्कुल नहीं धुलना है क्योंकि यही जो रेमेडी है वही हमारे चेहरे को साफ़ करने का काम करेगी। आप रेमेडी लगा रहे हो तो उससे पहले केवल आप इसको साफ़ पानी से मुँह को धुलें। एंड इस तरीके से इसको अप्लाई करनी है रेमेडी को। इसको आप डबल लेयर में लगा सकते हो क्योंकि डबल लेयर में हम लोगों ने कोई ऐसी तो प्रोडक्ट ली नहीं है जिससे हमारे चेहरे को नुकसान हो। हमने ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट लिया जो हमारे चेहरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करे और हमारे चेहरे की जो शाइनिंग है और भी अच्छी कर दे और हमारा चेहरा वो चमक जाए। तो आप भी अगर जा रहे हो कहीं फेस्टिवल पे किसी फंक्शन पार्टी में तो गाइस आप भी इस रेमेडी को ट्राई करें। आप भी यानी कि रातों रात गोरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं मैंने चेहरे पर लगा लिया है, इस तरीके से चारों तरफ लगा लिया, देख सकते हैं पूरे चेहरे पर मैंने लगा लिया है। एंड इसको 10 मिनट के बाद में धुल लेंगे इस तरीके से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देख सकते हैं यहाँ हम लोग इसको धुल लेंगे। यहाँ मैंने इसको धुल लिया है एंड इसका जो रिज़ल्ट दिखाती हूँ मैं आपको, ये चेहरा है वो अलग ही चमक रहा है। इस तरीके से आप इसको पूरे वीक में डेली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको डेली यूज़ करोगे तो इसका रिज़ल्ट है वो और भी अच्छा आएगा। इस तरीके से देख सकते हैं मैंने केवल इसको यानी कि हल्के गुनगुने पानी से धुल लिया है चेहरे को, इस तरीके से देख सकते हैं। आपको भी हल्के से गुनगुने पानी में चेहरे को धुलना है एंड जो रिज़ल्ट देख सकते हैं चेहरा कितना शाइनिंग कर रहा है ये। और आप बाहर धूप में जा रहे हो तो सन टैनिंग को भी निकालता है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो उसके बाद में उससे पहले लगा सकते हो और बाहर घर से यानी कि बाहर से आए हो तो उसके बाद में भी इस रेमेडी को लगा सकते हैं। तो गाइस आपको ये रेमेडी कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही।